हेलो एवरीबॉडी, मैं शोभा खंडेलवाल, महाकवि गुलाब खंडेलवाल की ज्येष्ठ पुत्र वधू, समस्त खंडेलवाल परिवार की ओर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। महाकवि गुलाब जी को यहाँ पर परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा 33 साल यहाँ हम लोगों के बीच में गुजारा है और हम लोग सब उनको जानते हैं। फिर भी कुछ लोग यहाँ नए हैं, इसलिए मैं उनके बारे में थोड़ी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। गुलाब जी का जन्म 21 फरवरी 1924 को नवलगढ़ राजस्थान में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गया शहर में, जो बिहार में है, वहाँ हुई। उसके बाद वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहाँ से 1943 में इन्होंने बीए किया। काशी में ही पहले उनके जो काव्य गुरु हैं, उनका नाम मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। उनका नाम था नारायणानंद सरस्वती, और इनका काव्य ज्ञान जो है वो काशी में काफ़ी विकसित हुआ। उस समय के जो कवि, जिनके बीच में जिन्होंने इनको बहुत सहारा और इनको आगे बढ़ने में मदद की, उनमें से कुछ के नाम हैं बेढब बनारसी, मैथिली शरण गुप्त जी, निराला जी, श्री नारायण चतुर्वेदी, सीताराम चतुर्वेदी, हरियोद जी। ये पापा जी ने एक बार मुझे बताया था कि कुछ साहित्यकार जो उनके पहले हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी, शेक्सपियर और कबीरदास जी का के व्यक्तित्व का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनके समकालीन साहित्यकारों में रविंद्रनाथ टैगोर और निराला जी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी को तो ये जैसे पूजा करते थे। महात्मा गांधी के लिए इनको इतना रिगार्ड था कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो उस रात इन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और उस पूरी रात में गांधी जी के ऊपर, उनके पूरी जीवनी पर इन्होंने एक किताब रच डाली जिसका नाम है गांधी भारती। इन्होंने लगभग 1000 से अधिक गीत लिखे हैं और करीब 400 से ज़्यादा गज़लें लिखी हैं। इन 1000 गीतों में लगभग 500 भक्ति गीत हैं, और इनके लिखने की विशेषता ये है कि इनकी सारे गीत और गज़ल आप गा सकते हैं, ये गेय है। इनका अपना मन में विश्वास था कि गीत और गायन दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी अच्छी कविता लिख दें, अगर उसको अच्छा सुर ना मिले तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत अच्छा सुर हो पर गीत ना हो तो फिर उसकी वो भी मज़ा नहीं रहता है। तो आज हम लोग यही कोशिश किए हैं कि आप लोग उनका गीत और गायन का सामंजस्य भी आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आप लोग उसको इन्जॉय करेंगे। इन्होंने कबीरदास, सूरदास, मीरा जी, इन्होंने जो भक्ति गीत लिखे, उसके बाद हिंदी साहित्य में जैसे वैक्यूम आ गया था, इन्होंने उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश की है। इनकी अभी 50 से ज़्यादा बुक प्रकाशित हो चुकी है। इनकी एक किताब आलोक वृत्त 1976 से यूपी में इंटरमीडिएट में पढ़ाई जा रही है, और मैंने इंटरनेट से चेक किया है, अभी भी है वो। इसके अलावा और भी किताबें बीए के कोर्स में थी। इनके काम के लिए इन्हें बहुत मान सम्मान भी मिला। साहित्य का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, साहित्य वाचस्पति, ये इन्हें अखिल हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रयाग में मिला था 1989 में। दो किताब इंडिया के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी जब थे उस समय, भक्ति गंगा और तिलक करे रघुवीर, उन्होंने उसको रिलीज़ की थी। इटावा में एक बार जब एक सभा हो रही थी तो उस सभा में मुरारी बापू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुरारी बापू ने कहा इनके सम्मान में, आज धर्म, शासन, राजनीति और कानून ने आपको एक साथ सम्मानित किया है।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस मंच में धन की ओर से मुरारी बापू, शासन की ओर से यूपी के गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री, राजनीति यूपी के करंट जो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह वे थे, और पास्ट अटर्नी जनरल श्री शांति भूषण जी उस मंच पर थे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ अमेरिका में बाल्टीमोर में उन्हें ऑनररी सिटीजनशिप, कवि सम्राट, इन सब उपाधियों से दिया गया, मान दिया गया। मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ कि इनके ऊपर 6 PhD हो चुकी है, और अभी इस समय 3 PhD हो रही है, वो भी भारत के डिफरेंट शहरों में। एक PhD है वो सीकर में हो रही है, उसका सब्जेक्ट आप लोग देखिएगा कितना वेरिएबल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है गुलाब खंडेलवाल की कविता में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति, मीन्स नेशनल कॉन्शसनेस जो उनके गीतों में है। ये राकेश कुमार गुजारणिया कर रहे हैं, भूप सिंह यादव उनके जो हैं गाइड हैं। दूसरी PhD हो रही है नागपुर विश्वविद्यालय में, उनकी जो सब्जेक्ट है महाकवि गुलाब खंडेलवाल की काव्य भाषा और शिल्प विधान, मीन्स व्हाट इज़ हिज लिटरेरी लैंग्वेज एंड उसका क्या अलंकार है, उसको उसने कैसे सजाया है। ये मोनिका विश्नोई कर रही हैं यज्ञ प्रसाद तिवारी के गाइडेंस में। और तीसरी PhD हो रही है वो संजीव कुमार पाठक, ये पटना में हैं, वहाँ टीचर हैं। इनके गाइड हैं डॉक्टर विनोद मंगलम, ये कॉमर्स कॉलेज के टीचर हैं, और इनका सब्जेक्ट है हिंदी गीत विधा में गुलाब खंडेलवाल का योगदान, मीन्स ए सॉन्ग मने लिरिक्स में इनका क्या योगदान है, और वो आप लोग आज यहाँ देखेंगे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस महापुरुष की कुछ रचना, यहाँ हम लोग सब सुनते हैं। हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करें उसके पहले मैं IHA की करेंट प्रेसिडेंट रेणु जी को बोलूंगी कि वो कुछ दो शब्द। धन्यवाद शोभा जी। नमस्कार, मैं रेणु चड्डा गुलाब खंडेलवाल जी की लिखी हुई 2 पंक्तियों उनको समर्पित करना चाहती हूँ। ये जिंदगी तो कट गई कांटों की डाल में, ये जिंदगी तो कट गई कांटों की डाल में, रखते हो अब गुलाब को सोने के थाल में। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से स्वर्गीय श्री गुलाब खंडेलवाल जी को का स्मृति को योगदान के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। स्मृति की सफलता के पीछे गुलाब जी की सालों का कठिन प्रयास है। वे हिंदी स्मृति के सक्रिय संपादक सदस्य रहे हैं, एक्टिव फाउंडर मेंबर थे। ओहायो में चैप्टर की शुरुआत 1992 में हुई, और जिस समय ये शुरुआत हुई उस समय बहुत सालों तक लगातार जो काव्य पाठ का गठन था उनके घर की बेसमेंट में होता रहा, जो अपने आप में एक मिसाल है कि उनका उसके लिए कितना ज़्यादा सक्रिय योगदान था। और उसके बाद धीरे धीरे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 करते करते संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और लगातार सुनने और सुनाने वाले जो लोग थे वो बढ़ते गए। वे नए अध्यक्षों का मार्गदर्शन करते रहे, और धीरे धीरे स्मृति ने क्लीवलैंड और नॉर्थ ईस्ट ओहायो में अपना बहुत नाम कमा लिया। कहते हैं एक अच्छा कवि पूरे ब्रह्मांड का आकार बदलने में मदद करता है। श्री गुलाब खंडेलवाल जी जैसे महान साहित्यकार और श्रेष्ठ कवि की कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू रेणु जी। अब मैं श्री प्रकाश सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगी। हमने उनकी गज़लों में से कुछ गज़लें 25-26 गज़लें छाँट कर एक गुलदस्ता तैयार किया है आप लोगों के लिए, ये उसका विमोचन करेंगे। खोल दीजिए। Thank you.
प्रकाश सिन्हा जी यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल मैगजीन चला रहे हैं जो लगभग 18 साल से नाम ठीक बोला क्या 18 साल से चला रहे हैं. इनका काफ़ी योगदान है. जैसा कि शोभा जी ने बताया, गुलाब जी ने करीब 400 गज़लें लिखी हैं, उसमें से 25 गज़लें करीब करीब इसमें हैं और सभी गज़लें बहुत ही अच्छी हैं. उनकी जो सभी गज़लें बहुत ही अच्छी हैं. अब ये 25 की सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया है मुझे पता नहीं. बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल है. 25 सबसे सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी एक से एक गज़लें हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाब जी की कविता या गज़ल जब हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे हमारे अपने दिल की बात उसमें लिखी हुई हो. ऑल हिज पोइट्री हैज़ यूनिवर्सल अपील. तो हम लोग खंडेलवाल फैमिली के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आप लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया. उनका जन्मदिवस और ये हमारे इंडियन कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है. हर साल एनुअल इवेंट बन गया है और उम्मीद है कि आप इसको काफ़ी दिन चलाएंगे. और गुलाब जी की जन्मदिवस का समारोह सिर्फ एक जन्मदिवस समारोह नहीं है. दिस इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर कल्चर. थैंक यू प्रकाश जी. अब हम लोग अपना म्यूज़िकल प्रोग्राम शुरू करते हैं.